पंचकुला में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने सिगरेट की दो दुकानों पर छापा मारकर दुकान से नकली और प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बरामद की है। पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि पंचकुला के गांव उड़नपुर स्थित दो दुकानों पर चोरी छिपे नकली और प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बेची जा रही है। आशीष गुप्ता मैनेजर ITC द्वारा मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को सूचित कर बताया कि उड़नपुर स्थित अरुण पान शॉप और पटेल स्टोर में नकली सोने की परत वाला सिगार, विदेश से निर्मित सिगरेट और रोलिंग पेपर बेचे जा रहे हैं, जो सभी प्रतिबंधित है। पुलिस ने मौके से दोनों दुकानों पर विदेश से निर्मित भारी मात्रा में सिगरेट और रोलिंग पेपर बरामद किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम और स्थानीय पुलिस ने दुकानदारों से पूछताछ की। पूछताछ में दुकानदारों ने बताया कि उन्हें सिगरेट विपिन नाम का व्यक्ति सप्लाई करता है। अब पुलिस को आरोपी विपिन की तलाश है। ये उड़नपुर जो गांव है वहाँ का मामला है। CM फ्लाइंग और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, दोनों का ज्वाइंट ये एक्शन था। इस एक्शन के तहत हमने जो है काफ़ी नकली जो सिगरेटें हैं वो बरामद किए हैं और विभिन्न धाराओं के अंदर जो है मुकदमा दर्ज किया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहाँ कहाँ पर ये सप्लाई करते थे सर? कोई बड़ा गोडाउन था ये जिसके इतनी भारी मात्रा में जो सिगरेट मिली है? ये अभी जो है अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएगा कि ये सिगरेट कहाँ से आते थे, कौन इनका सप्लायर था। तो कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है सर, किन किन धाराओं में? अभी जो है दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक जो मेन जो सप्लायर है उसकी गिरफ्तारी अभी बकाया है। इसमें हमने कॉपीराइट एक्ट और कॉप्टा एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया। तो सर ये भी कुछ पता लग पाया है कि जो नकली सिगरेट थी ये कहाँ से लेके आते थे, कहाँ बनती है ये सिगरेटें, ये भी जानकारी हासिल करनी जरूरी नहीं है? देखिए अभी हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि कौन सप्लाई करता था, कहाँ ये बनाई जाती थी, वहाँ तक हम पहुँचेंगे और ये जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता पाएंगे। फिलहाल पुलिस ने पंचकुला के सेक्टर 14 थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और नकली सिगरेट कहां से लाई जाती थी इसकी जांच की जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।